हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सबका हमारे चैनल ट्रिक्स बाय रोहन पे। देखो दोस्तों, इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप भी अगर मोबीक्विक एप्लीकेशन को यूज़ करते हो या फिर उसको कभी भी यूज़ किए होंगे और उसमें आपका बैंक डेबिट कार्ड ये सब आपका लिंक होगा, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से देखना। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपका यहाँ पर कुछ पैसा है आपको डिडक्ट होने से वो भी बच सकता है। तो होप सो आप लोग ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा होगा। कोई भी ऑफर, कोई भी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कैंपेन ऑफर, पेटीएम कैश कमाने का भी बहुत सारा मौका मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों, मोबीक्विक की तरफ से एक बिग न्यूज निकल के आ रही है कि मोबीक्विक का 8.5 मिलियन प्लस यूजर्स का डाटा लीक हो चुका है। इस लीक डाटा में आपका यहाँ पर जितने भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर लीक हो चुकी है। समझो दोस्तों, जिस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आधार कार्ड का आपका नंबर, उनका फोटो, आपका पैन कार्ड का नंबर, फोटो, उसके बाद आपने जो अपलोड की थी उसमें सेल्फी KYC के लिए वो भी अपलोड हो चुकी, वो भी यहाँ पर लीक हो चुकी है। उसके बाद आपका यहाँ नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, यहाँ तक दोस्तों कि आपने कौन सा बैंक लिंक करके रखा है, आपका अकाउंट नंबर से लेके आपने कौन सा डेबिट कार्ड उसमें यूज़ किया था या कौन सा डेबिट कार्ड आपका ऐड है, चाहे वो कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर लीक हो चुका है दोस्तों। वो एक तो नहीं दोस्तों, बहुत लोगों का यहाँ पर डाटा लीक हो चुका है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन टाइम्स का न्यूज़ जो वेबसाइट है उनका आपका ऑफिशियल पेज में दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सिंपल्स वहाँ पर आप लोग लिंक पर जाके पढ़ना आप लोग के जितने भी यहाँ पर कुछ है वो सब कुछ डाटा लीक हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कल रात को यहाँ पर मेरा भी इवन मेरा पर्सनल यहाँ पर आधार कार्ड और मेरा जो डेबिट कार्ड जो मैंने ऐड करके रखा है मोबीक्विक पे, वो मुझे डार्क वेब पे दिख रहा था। समझो बात, तो डार्क वेब पे पूरा पूरी जितना भी मोबीक्विक का डाटा है वो पूरा पूरी अपलोड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मोबीक्विक का अपना जो ऑफिशियल ट्विटर है वहाँ पर कल उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि हमारा कोई इसी तरह से वहाँ पर कोई उन्होंने ब्लॉग शेयर किया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि हमारा किसी भी तरह का डाटा लीक नहीं हो। जो भी यूज़ करते हैं ना, जो डेबिट कार्ड या फिर KYC वगैरह कोई भी डिटेल्स यूज़ करते हैं वो मोबीक्विक के पास स्टोर रहता है। समझो, वो लोग उनको सर्वर पे अपलोड करके रखते हैं। लेकिन क्या होता क्या है कि जब हैकिंग या फिर कोई लीक होता है तो वो कोई भी एक पार्टिकुलर जो हैकर होता है वो सारा डाटा को अपने अंदर में ले लेता है या फिर उनके पास वो डाटा चला जाता है। और वो सारा डाटा इन्होंने हैकर्स ने क्या किया, वो लोग यहाँ पर डार्क वेब पर अपलोड कर दिया गया। तो डार्क वेब पर हमारा जितना भी यूजर्स का डाटा था वो सारा डाटा वहां पर दिख रहा है। कार्ड की डिटेल्स, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आप लोग देखो कि यहां पर मैंने यहां पर बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखे थे, मैं आपको बारी बारी दिखा रहा हूं कि इन सब के सारा का यहां डाटा मुझे वहां पर शो कर रहा था। समझो, आप कोई भी पार्टिकुलर नंबर डाल रहे थे तो अगर मोबीक्विक उस अकाउंट पर होता था तो वहां पर सब कुछ वहां पर शो कर रहा था। जैसे कि मेरा भी पर्सनली मेरा जो डेबिट कार्ड था वो भी यहां पर, जो डेबिट कार्ड मैंने यूज किया था मोबीक्विक पे वो डेबिट कार्ड का डिटेल्स वहां पर मुझे शो हो रहा था। अगर आपका भी आप मोबीक्विक आप लोग ने यूज करते होंगे तो मोबीक्विक एप्लीकेशन में फटाक से जाना आप लोग, और आपने जो भी बैंक अकाउंट लिंक किया होगा उसको फटाक से डिक्लाइन कर देना, मतलब डिलीट कर देना। और एक बात, अभी कुछ दिन के लिए मोबीक्विक आपको यूज नहीं करना, चाहे आप रिचार्ज के सेक्शन में या फिर UPI ऑफर के सेक्शन में। सेकेंड में आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपने जो डेबिट कार्ड का था वहाँ डिलीट का तो ऑप्शन शायद होता है या नहीं होता है, या फिर जो भी आपका डिटेल्स पहले अपलोड हो चुके हैं आप डिलीट करके करोगे क्या, तो आपको करना क्या है कि जो आपका डेबिट कार्ड है उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसको आपको नज़र रखनी है। देखो, अगर हो सके तो वो डेबिट कार्ड अगर आपका काम करना ही होता तो उसका ट्रांजेक्शन को बंद कर देना अपना, और अगर ट्रांजेक्शन को बंद नहीं कर सकते हो, अगर उसको यूज़ करते हो रेगुलर, तो क्या करना, आपको ट्रांजेक्शन पर नज़र रखना है। और एक चीज़ ये चीज़ आप लोग याद रखना मस्ट किया, मोबीक्विक क्या इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, तो आप लोग इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होता है कोई भी बैंक यूज़ करते हो, बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूको जो भी, उसके आप लोग एप्लीकेशन में जाके देखोगे सेटिंग वगैरह में कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड के सेटिंग में आप लोग देखना कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, तो वो चीज़ को आप लोग बंद करके रख देना। बता दे रहा हूँ कि मोबीक्विक ने ऑफिशियल एक ब्लॉग को शेयर करते हुए बोला है कि हमने यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डाटा लीक नहीं हुआ है, हम अलग अलग सर्वर पर शो करते हैं, और जो डाटा आपको शो हो रहा है डार्क वेब पर वो एक्चुअल में हमारा डाटा नहीं है, किसी और का डाटा है, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद हैकर ने यहाँ पर चैलेंज करते हुए उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, उसका वेबसाइट क्या हुआ डाउन हो गया था कुछ देर के लिए, तो उस वेबसाइट पे उन्होंने डाल दिया है, मतलब उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि अगर आप लोग ने मोबीक्विक को ओपनली चैलेंज करते हुए बोला गया है कि अगर आप लोग मान लो कि आपका डाटा रियलिटी में लीक हुआ है, अगर आप लोग अभी तक नहीं मानोगे, इस बात को छुपाओगे, आप लोग डिसएग्री करोगे, समझ लो डिसएग्री करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आप अपने वेबसाइट पे आपका जितना भी मोबीक्विक अकाउंट होल्डर है, मतलब जितने भी मोबीक्विक के यूजर, उसके लास्ट के 10 ट्रांजेक्शन हम लोग अपने वेबसाइट पे शो कर देंगे या फिर
अपलोड कर देंगे, जिससे सारे यूजर्स को ये भरोसा हो जाएगा कि आपका डाटा एक्चुअल में लीक हुआ है। तो मोहित क्योंकि इस बात से डिनाई कर रहा है कि हमारे डाटा लीक नहीं हुआ, लेकिन हैकर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आप अभी भी डिनाई करोगे, आप लोग अभी नहीं मानोगे, तो हमने जो 10 ट्रांजेक्शन है आपके मोहित क्योंकि यूजर्स का, वो सारा कुछ हम लोग अपलोड कर देंगे अपने वेबसाइट पर। समझो, तो इस तरह के झमेले में नुकसान होने वाला यूजर्स का होने वाला है नुकसान, क्योंकि उनका प्राइवेसी, उनका पर्सनल डाटा लीक हो चुका है, चाहे वो आधार कार्ड का नंबर हो, सेल्फी हो, आपका पैन कार्ड का नंबर हो, ये तो मिसयूज होगा ही होगा। तो दोस्तों, आप लोग ये तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आप टोटली हो चुका जो होना था, लेकिन आप लोग जो डेबिट कार्ड का मैंने आपको जो दो सेटिंग बताई, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को बंद करना ये आप कर दो, और क्या करना है आपको कि आप लोग जब भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप एक बार जाकर अपना डिटेल्स ना चेक करते रहना, मतलब नज़र रखना है अपने बैंक के अकाउंट बैलेंस पे, समझो कि कहाँ पर आपका पैसा यूज़ हो रहा है। तो होप्स आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और इस टाइप के वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना।